हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, पदनाम की बात करें तो कंप्यूटर के पद पर ये वैकेंसी निकल के आ रही है, यानी कि संगणक के पद पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि टोटल पद यहाँ पर 250 निकाले गए हैं और सभी राज्य से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, चाहे आप बिहार से हों या झारखंड से हों या फिर उत्तर प्रदेश से हों। इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई इसका कब से कब तक कर सकोगे, कैसे फॉर्म भरोगे, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिससे कि आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन जारी की गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड हम आपको बता दें कि इस नोटिफिकेशन का शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है और ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपको अप्लाई करने के लिए सिंपल गूगल में सर्च करना है akeonlinepoint.com एंड आपको फर्स्ट में वेबसाइट का दिख जाएगा रिजल्ट, और वेबसाइट को आपको कर लेना है ओपन। और पहली पोस्ट आपको दिखेगी जो मैंने अभी कंप्यूटर संगणक का डाला है, और ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान के तरफ से निकाली जा रही है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तरफ से निकाली जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जॉब लोकेशन आपका राजस्थान ही रहेगा। टोटल पोस्ट 250 है। 8 सितंबर यानी कि 8 तारीख से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट 7/10/2021 रखी गई है। फी पेमेंट की भी लास्ट डेट 7/10/2021 रखी गई है। एग्ज़ाम December 2021 में बताया जा रहा है। जनरल OBC की जो यहाँ पर फीस है 450 रखी गई है, OBC NCL की 350 रखी गई है, SC ST की 250 रखी गई है। फॉर्म अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो उसकी भी फीस यहाँ पर 300 रुपये रखी गई है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं, आप चाहे जनरल हो या फिर SC ST हो, आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, ये आप याद रखिएगा। एज आप देख पा रहे हैं 1/1/2021 के अनुसार यहाँ पर अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं, मैक्सिमम आपकी उम्र यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। बाकी एज रिलेशन जो भी राजस्थान के लोकल लोगों को दी जाती है वो दी जाएगी। पोस्ट नेम की बात करें तो कंप्यूटर यानी कि संगणक, और आप देख पा रहे हैं नॉन TSP की टोटल 220 पोस्ट हैं और TSP के 30 पोस्ट हैं। इस तरह से मिला के टोटल 250 पोस्ट हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड की गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है कि मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के 4 से 5 ऑप्शन हैं, उनमें से आपके पास एक भी क्वालिफिकेशन है आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद लिस्ट वन ऑफ सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स आर स्टेटिक आर इकोनॉमिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट में से अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है। सर्टिफिकेट पार्ट वन ABC बाई इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, या फिर आप कोलकाता एंड या आप देख पा रहे हैं DOEIC अंडर कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ जो देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया OR हायर लेवल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है या इससे हायर सर्टिफिकेट है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर NIELTS सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाई न्यू दिल्ली, आपके पास CCC है तो फिर भी यहाँ पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिर नेक्स्ट बताया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स ऑर्गेनाइज अंडर द नेशनल स्टेट काउंसिल ऑफ, तो आप देख पा रहे हैं ये जो सारी की सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर R लगाया गया, यानी कि अथवा अगर आपके पास इनमें से एक भी क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस में है। इस तरह से डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर्म ऑफ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय कंप्यूटर गवर्नमेंट, तो अगर आप पॉलिटेक्निक भी किए हैं कंप्यूटर से तब भी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, तो आपको यहाँ पर देवनागरी क्या है कि वो टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी की, तभी आप लोग फॉर्म का अप्लाई कीजिएगा। टाइपिंग आपसे ज़रूर ली जाएगी, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा, टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, ठीक है। बैचलर डिग्री लेवल पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर्म को कैसे फिल करना है यहाँ पर मैंने डिटेल बता दिया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक दी गई हैं, ठीक है। आपको सिंपली ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, लिंक 8 सितंबर से एक्टिवेट हो जाएगी, आवेदन आप कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ से विजिट करोगे, नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पेज को यहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर भी नोटिफिकेशन आपको सेंड कर दी जाती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जो भी होती है। मोर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे और भी अधिक नौकरियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी।
ठीक है। तो हमारी इस वेबसाइट को आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि मैं कोई नई पोस्ट अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो जानकारी कैसे लगी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।